वेलकम टू सीजन फाइव एपिसोड सिक्स ऑफ नंबर थ्योरी मास्टर क्लास कंटिन्यूइंग विद कंटिन्यूइंग फ्रॉम द प्रीवियस एपिसोड इस बार हमारे पास इफ़ यू हैव अ फाइव डिजिट नंबर इसको हम फोर से मल्टीप्लाई करते हैं वी गेट इट्स रिवर्स ठीक है तो सेम तो, लॉजिक ए की लिमिट है ए कैनॉट बी मोर देन थ्री क्योंकि फिर वो थर्टी थाउजेंड यू कैन सी दिस इफ यू हैव थर्टी थाउजेंड मल्टीप्लाई बाय फोर यू गेट ट्वेल्व एंड देन फोर डिजिट्स सो दिस इज नॉट अ फाइव डिजिट नंबर so a has to be either 1 or 2 but uh, this is even so this has to be even so this has to be even this means a has to be 2 पहले तो even वाला logic लगाते so I think पिछले video में भी same किया था so a has to be 2 so हमें 2 मिल गया we need four more digits think about the last digit now uh, अगर मैं e के बारे में सोचता हूँ दिस इज़ एटी थाउजेंड सम एट समथिंग समथिंग सम या तो एटी थाउजेंड होगा या नाइन्टी थाउजेंड होगा तुम बेसिकली इफ यर मल्टीप्लाइंग अ ट्वेंटी थाउजेंड नंबर टाइम्स फोर यू गेट समथिंग मोर देन एटी थाउजेंड सो इधर ई इज़ एट और ई इज़ नाइन बट लास्ट डिजिट लॉजिक कहता है इफ़ ई इज़ नाइन फोर टाइम्स नाइन हो जाएगा टै डैश टै डैश टू डैश 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 नाइन टाइम्स फोर अगर मैं करता हूँ तो लास्ट डिजिट विल बी सिक्स बट आई वॉन्ट द लास्ट डिजिट टू बी टू सो दिस कॉन्ट बी नाइन दिस हैज टू बी एट फॉर अस टू हैव अ लास्ट डिजिट टू चेक कर सकते हो फोर टाइम्स एट इज थर्टी टू सो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि यार माई ई इज़ एट सो ई इज एट अब लेट्स हाउ हाउ वी कैन प्रोसीड विदाउट मेकिंग इट मेसियर ठीक है सिंपल सिम्पल करते हैं आराम से काटते हैं दिस इज़ ट्वेंटी थाउजेंड ना फोर फोर टाइम्स ट्वेंटी थाउजेंड प्लस बी सी डी एट दिस इज एटी थाउजेंड प्लस डी सी बी टू सो एटी थाउजेंड को एटी थाउजेंड से काट देते हैं एंड वी कैन डू दैट बाय रिमूविंग जस्ट दिस डिजिट इसको हटा दो तो ये एट हट जाएगा एट दिस डज इट मेक सेंस पहले जाता हूँ वापस uh, इधर से ट्वेंटी थाउजेंड हटाया फोर टाइम्स ट्वेंटी थाउज़ेंड इक्वल्स टू एटी थाउजेंड सो क्लीन इट अप वी आर इन द फोर डिजिट वर्ल्ड और क्या कर सकते हैं लास्ट uh, डिजिट को भी हटा सकते हैं दिस इज फोर टाइम्स बी सी डी ज़ीरो प्लस फोर टाइम्स एट यानी कि थर्टी टू दिस इज़ माई लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हो जाएगी मेरी डी सी बी ज़ीरो प्लस टू ठीक है uh, दोनों इक्वल टू यहाँ पर दोनों इक्वल्टेड हेयर फोर टाइम्स बी सी डी ज़ीरो प्लस थर्टी टू इक्वल्स टू डी सी बी जीरो प्लस टू टू से ये कटेगा दिस इज़ थर्टी प्लस थर्टी लेट्स गेट रेड ऑफ जीरोज़ फोर टाइम्स समथिंग जीरो इस जीरो को काटता हूँ इसको काटता हूँ इसको काटता हूँ सो डिवाइडिंग एवरीथिंग बाई टेन तो ये हो जाएगा फोर टाइम्स बी सी डी प्लस थ्री इसको ऐसे जगह बनाते हैं यहाँ पर प्लस थ्री इक्वल्स टू डी सी बी दिस इज वॉट वी हैव इसको यहाँ पर लिख लेते हैं फोर टाइम्स

बी कॉन्ट बी थ्री और मोर सो इधर बी इज़ ज़ीरो तो बी ज़ीरो है या बी वन है या बी टू है ठीक है ओ लास्ट वीडियो में भी यही किया था सो दिस इज इवन फोर टाइम्स अ नंबर इज इवन प्लस थ्री इज अर्ड सो दिस मीन्स दिस इज ऑर्ड दिस मीन्स बी कॉन्ट बी ज़ीरो एंड बी कॉन्ट बी टू लास्ट जिट ऑर्ड होनी पड़ेगी सो बी कैन ओनली बी वन सो यहाँ पर हमारे पास बी आ गया ठीक है बी काट बी है B is वन इसको मैं यहाँ वन लिखता हूँ और इसको यहाँ पर वन लिखते हैं लेट्स सी uh, अब मैं क्या कर सकता हूँ दिस इज फोर हंड्रेड प्लस फोर टाइम्स सी डी प्लस थ्री इक्वल्स टू डी सी ज़ीरो प्लस वन ओके इससे क्या करूँ मैं कुछ कुछ समझ में आ रहा है क्या ओके लेट लेट मी मी पॉज एंड थिंक फोर टाइम्स ये मेरा वन था ना वन फोर हंड्रेड हो गया हम्म hmm. ओके okay. इसको हटाते हैं डी के बारे में बात करते हैं डी हैज टू बी मोर देन फोर हंड्रेड ठीक है uh, क्योंकि दिस इज़ फोर टाइम्स वन ये हंड्रेड से बड़ा है सो डी हैज टू बी मोर देन फोर हंड्रेड डी कोड बी फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन बट लेट्स चेक द लास्ट लास्ट डिजिट लॉजिक उठाते हैं हम सो इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग दिस इज़ वन सी डी इसको मैं फोर से मल्टीप्लाई करता हूँ एंड वट आई गेट इसमें मैं थ्री ऐड करता हूँ एंड वट आई गेट हैज़ द लास्ट डिजिट वन ठीक है मेक सेंस ओके अगर इधर लास्ट डिजिट वन है थ्री ऐड करने के बाद लास्ट डिजिट वन है सो इधर लास्ट डिजिट क्या होगी दिस हैज़ टू बी एट तभी तो एट प्लस थ्री इलेवन आएगा यू 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 गेट दैट इस नंबर की लास्ट डिजिट हैज टू बी एट इस नंबर की फोर टाइम्स समथिंग तभी एट प्लस थ्री करूँगा तो वन आएगा देर इज़ नो अदर वे तुम किसी और नंबर में थ्री एड करोगे तुम्हें वन नहीं मिलेगा लास्ट डेट मैं इसको उठा रहा हूँ आईम यूजिंग दिस लास्ट डेट दिस मेक्स माई लाइफ ईजियर अब मैं सोच सकता हूँ कि यार विच वट कैन डी बी डी को क्या रखना है सो दैट लास्ट जिट इज़ एट फोर को तुम किससे मल्टीप्लाई करोगे कि तुम्हारा लास्ट डेट एट आएगा सो फोर टाइम्स टू इज एट एंड फोर टाइम्स सेवन इज एट ठीक है बट डी कॉन्ट बी टू क्योंकि तो चार सौ से ज़्यादा होना चाहिए दिस हैजू बी मोर देन फोर हंड्रेड सो आई एम स्ट्राइकिंग दिस ऑफ मेरे पास सिर्फ एट नहीं है एक्चुअली ट्वेंटी एट बट यू गेट द आइडिया इज़ देर एनी अदर नंबर एनी अदर डिजिट दैट आई मल्टीप्लाई विद फोर एंड आई गेट द लास्ट डेट एट थ्री नहीं फोर नहीं फाइव नहीं सिक्स सेवन नाइन दिस इज़ द ओनली केस सो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ लास्ट डिजिट लॉजिक से मैं बोल सकता हूँ डी हेज टू बी सेवन सो ये मेरा डी जो है ये आ गया सेवन सो ए बी सी डी डी इज सेवन दिस इज दिस इज सेवन प्रोग्रेस बस एक ही डजट बचे निकालने की ये तो लिनर इक्वेशन से सॉल्व हो जाएगी लेट्स डू दैट दिस इज फोर हंड्रेड प्लस दिस इज टें प्लेस सो फोर्टी सी प्लस ट्वेंटी एट कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो बस प्लस थ्री इक्व टू सेवन हंड्रेड प्लस 10c प्लस 1. लेट्स हाउ केन बी सिंप्लीफाई ट्वेंटी 28 प्लस 3 इज 31, 31 थर्टी माइनस वन इज 30. सारे नंबर्स हटा देते हैं लेफ्ट साइड 30 रखा हुआ है लेट्स गेट रेट ऑफ जीरोज इज़ वेल इसको पहले हटा देते हैं 700 हंड्रेड एंड फोर कैंसल्ड आउट गिव मी 300 हंड्रेड हेयर थ्री यहाँ से कटेगा दिस इज दिस इज 270 एंड देन लेट्स डिवाइड थिंग्स बाय टेन अच्छा ये भी कट जाएगा दिस इज फोर्टी और टेन कट जाएगा दिस इज थर्टी अब तो क्या ही है सी इज़ नाइन सी इज़ नाइन टू वन नाइन सेवन एट एंड लेट्स डू दिस लेट्स लेट्स चेक टू वन नाइन सेवन एट जान बुझके यूज नहीं कर रहा हूँ मैं इन दोनों केसेस में टाइम्स फोर टू वी गेट समथिंग इंटरेस्टिंग एट टाइम्स फोर इज थर्टी टू टू थ्री कैरी ओवर सेवन टाइम्स फोर इज ट्वेंटी एट ट्वेंटी एंड थर्टी थर्टी वन वन थ्री कैरी ओवर दिस इज Uh, this is 36 plus 3 is 39 3 carry over 4 and 3 is 7 and 4 times 2 is 8 21978 87912 and there we have it we have our 5 digit number which when multiplied by 4 gives its reverse so fun okay see you in the next video